सेमेनिया ने दूती चंद से कहा, लिंग को लेकर बकवास के बजाय प्रैक्टिस पर ध्यान दो। दूती चंद जिन हालातों से गुजरी है उसे कास्टर सेमेनिया से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और इस दक्षिण अफ्रीकी एथलीट ने अब भारतीय खिलाड़ी को सलाह दी है कि वह उनके लिंग परीक्षण को लेकर चल रही बकवास पर गौर करने की बजाय अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करे। रियो ओलंपिक में 800 मीटर दौड़ की चैंपियन सेमेनिया को दूती के प्रति खेद है, क्योंकि इस भारतीय की तरह उन्हें भी लिंग परीक्षण विवाद से गुजरना पड़ा था। बर्लिन विश्व चैंपियन 2009 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सेमेनिया के लिंग को लेकर सवाल उठाए गए और इस कारण से उन्हें 11 महीने तक बाहर रहना पड़ा। IAAF ने पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्हें वापसी की अनुमति दी थी। सेमेनिया से पूछा गया कि जब वह रियो में दूती से मिली थी तो उन्होंने उससे क्या कहा। हमने बहुत अधिक बात नहीं की, हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और हालचाल पूछा। वह बहुत अच्छी लड़की है, उसने अपने प्रशिक्षण पर और बेहतर प्रदर्शन करने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे उसके लिए खेद है, वह अभी युवा भी है, लेकिन हमारी स्थिति एक समान नहीं है। मैं अपनी तरह से इन चीजों से निपटी। महिला एथलीटों को खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है। IAAF नीति के कारण उन महिला एथलीटों को खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है जिनका टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक हो, क्योंकि माना जाता है कि इससे उन्हें अपनी प्रतिद्वंदियों पर लाभ मिलता है। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने 2014 में इसी नीति के तहत दूती पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूती ने स्विट्जरलैंड के लुसाने स्थित खेल पंचायत में इसे चुनौती दी थी, जिसने जुलाई 2015 में यह प्रतिबंध हटा दिया था और इस नीति को भी 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब 2 साल की अवधि पिछले महीने समाप्त हो गई है और IAAF ने CSS के पास जाकर ताजा सबूत पेश करने का फैसला किया है। अब इस महीने की आखिरी में सुनवाई हो सकती है।